आज के इस फ्री लेक्चर की फ्री क्लास की शुरुआत करते हैं सीधा बुक से। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है, वो है हमारी यहाँ पर यूनिट नंबर 5 के बारे में, जहां पर आपको पढ़ना होता है किन्हीं सारी चीजों के बारे में। और ये लिंक कहाँ से है, लिंक है आपके सीधा NCERT से। तो अगर आप हमारे कोर्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप हमारे फ्री स्टूडेंट हैं, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये जो लेक्चर है ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप इसके कोर्स का पार्ट है तो आपको जो है ये जो PDF है आपको बुक वाली, वो आपको अपने अप्रोप्रिएट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किन्हीं चीजों के बारे में, जिसका नाम है आपके लिए सबसे पहले सेंसेशन, यानी कि हम जिसको कहते हैं संवेदना के रूप में। उसके बाद हम चलते हैं आगे अटेंशन, जो होता है आपका अवधान। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपके परसेप्शन के बारे में, यानी कि एक प्रकार से आप जो धारणा कहते हैं, जिसका प्रत्यक्षण कहते हैं, उसकी हम बात करते हैं आपके परसेप्शन के अंदर। ठीक है, तो धीरे धीरे हम जो है पॉइंट बाय पॉइंट आपका स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। इसके पहले जरूरी है कि आपने इस लेक्चर के पूर्व आपने अगर NCERT पढ़ लिया है तो आपका जो बेसिक वाला स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। ये जो लेक्चर होगा थोड़ा सा आपको बेसिक करते हुए थोड़ा सा आपको जो है एडवांस लेवल की ओर लेकर जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर चैनल, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ध्यान से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अंत में लाइक भी कर सकते हैं और अपने शेयर कर सकते हैं अपने मनोविज्ञान के फ्रेंड्स के साथ में। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सेंसेशन, फिर अटेंशन और परसेप्शन से संबंधित आपके इस वाले सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो चीजें आपको आएंगी इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है स्कॉटिश दार्शनिक, यानी कि एक फिलोसफर थे, कहां से, स्कॉटिश थे, थॉमस रीड। ये क्या नाम था उनका, उनका नाम था थॉमस रीड। यहां पर 1710 से 1796, यानी कि इनका जन्म कब हुआ, जन्म हुआ 1710 में और मृत्यु हुई आपकी 1796 में। पहली बार संवेदना और धारणा के बीच अंतर किया। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, ये लाइन आप जो है सीधे सीधे सिंपल पढ़ के आगे निकल जाएंगे, लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं हमारे द्वारा एक्सप्लेनेशन, तो आपको समझना होगा। यहां पर दो चीजें आपको दी गई हैं, क्या है वो है आपकी संवेदना और धारणा, यानी कि जो आज आप देखते हैं वो आपने 1710 में थॉमस रीड जब पैदा हुए थे और 1796 में इनकी मृत्यु होती है। नाम ध्यान रखेंगे क्या थे, ये एक फिलोसफर थे, ठीक है, ओके, यानी कि एक दार्शनिक थे। उसी के साथ साथ इन्होंने सबसे पहले क्या डिस्टिंग्विश किया सबसे पहले आपके सेंसेशन के बारे में और उसी के साथ साथ आपके यहाँ पर परसेप्शन के बारे में, यानी कि ये दोनों चीजें जो हैं क्या हैं, ये दोनों चीजें आपकी जो है ये क्या है, ये आपकी अलग अलग हैं। यानी कि संवेदना आपकी जो है अलग चीज होती है और ठीक उसी के साथ साथ आपका जो प्रत्यक्षण है वो भी क्या होता है, वो भी यहाँ पर अलग चीज होती है। जो आपकी धारणा है वो दोनों ही चीजें क्या है, डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है। और अब आगे आपको उनका फर्क भी देखने को मिलेगा। यह समझाया गया कि संवेदनाएं इंद्रियों की गतिविधियां हैं। इंद्रियां कौन सी हैं आपके पास, आपकी आंख, आपकी ईयर और आपका नोज और वो सब चीजें जो आपके पास हैं, इंद्रियां बोलते हैं उनको हम, ठीक है। आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनकी यहां पर बात हो रही है, ठीक है, कि गतिविधियां हैं, उनकी एक्टिविटीज हैं, जैसा कि वे चेतना में अनुभव की जाती है, यानी कि कॉन्शियसली आप जिसको फील कर सकते हैं, जिसका आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं संवेदनाएं। यानी कि सेंसेशन क्या है, आपको हवा चलती हुई महसूस हो रही है वो सेंसेशन है, आपको जो है सुगंध आ रही है या बदबू आ रही है वो क्या है, वो आपका सेंसेशन है। क्योंकि किसके द्वारा किया जा रहा है, आपकी आंख के द्वारा, आपके नोज के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि आपके इंद्रियों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। चेतना में अनुभव की जाती है, जबकि, ठीक है, ये बात की किसके बारे में हमने, ये बात की आपके सेंसेशन के बारे में, जबकि धारणा क्या है, धारणा यानी कि आपका परसेप्शन के बारे में बात हो रही है, संवेदना पर निर्भर है। तो धारणा किस पे डिपेंडेंट है, धारणा जो है आपकी डिपेंडेंट है आपकी किसके ऊपर, आपकी संवेदना के ऊपर, और संवेदना से अलग है जिसमें बोधक अपने वातावरण में वस्तु या घटनाओं के बारे में जागरूक होता है, ठीक है। यानी कि इसके अंतर्गत जो उसके आसपास की घटनाएं हैं, जो वस्तुएं हैं, उनके बारे में क्या रहता है, वो उनके बारे में वो जागरूक रहता है, उसके बारे में क्या रहता है, वो अवेयर रहता है। तो आई होप आपको यहां तक इन दोनों के बीच डिस्टिंक्शन क्लियर हो गया होगा जीवन में पहली बार, या हो सकता है कई बार इसके पहले आपने किया होगा। यानी कि आपको मालूम पड़ गया कि सेंसेशन जो है, संवेदना जो है वो अलग चीज है और परसेप्शन जो है वो आपकी यहाँ पर अलग चीज होती है, ठीक है। संवेदना इस मायने में अलग है, आगे देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है, संवेदना इस मायने में अलग है कि बोधक यानी कि आपकी बात हो रही है, अपने वातावरण में वस्तु या घटनाओं के बारे में जागरूक होता है, ठीक है। जो अभी आपको बताया ये यहां पर रिपीट हो गया है। यहां पर देखिए, इस प्रकार संवेदना जो है इंद्रिय अंग की उत्तेजना के कारण जागरूकता है, यानी कि जो भी आप सेंस कर रहे हैं किसके द्वारा कर रहे हैं, इंद्रियों के अंग के द्वारा यहां पर उत्तेजित हो रहे हैं, उसके कारण जो आपको अवेयरनेस आ रही है, जो जागरूकता आ रही है, उसकी बात हो रही है। और धारणा जो है संवेदनाओं का संगठन और व्याख्या है,
तो आपके पास यहाँ पर दो मुख्य चीज निकल के आती है, वो है आपका सेंसेशन और परसेप्शन। इन दोनों के बीच आपको जो है डिस्टिंक्शन होना हुआ बहुत जरूरी है। सेंसेशन कैसे कर सकते हैं आप कर सकते हैं अपनी नाक से, आपकी आई से, आपके ईयर से, आपके टच से, ठीक है। इतने तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को सेंस कर सकते हैं। और एक और पांचवी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंसेशन, ठीक है। लेकिन जब इसी सेंसेशन को क्या करते हैं, इसी सेंसेशन को जब आप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जब आप इसको इंटरप्रेट करते हैं, तो वो क्या बनती है, वो जाके समूह में बनती है क्या आपका, वो जाके बनती है आपका यहाँ पर परसेप्शन। यानी कि आपको स्मेल तो आ रही है, ठीक है, स्मेल आपको आई। अब ये अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्या ये संवेदना इस सेंसेशन को मालूम है क्या कि आपकी जो स्मेल है वो अच्छी है या बुरी है? नहीं, इसको नहीं मालूम है। किसको मालूम है? वो आपकी परसेप्शन को मालूम है। अगर आप डस्टबिन के पास खड़े हैं तो आपका परसेप्शन, आपके वातावरण को आप अवेयर हैं, उसके बारे में आप देख रहे हैं कि जो स्मेल है बुरी है। वहीं पर अगर आप किसी पार्टी में हैं, परफ्यूम वगैरह की स्मेल आपको आ रही है, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या है, ये चीज आपकी अच्छी है। तो इस प्रकार से डिफरेंस किया सबसे पहली बार किसने, थॉमस रीड ने, कि सेंसेशन जो है हमको इंद्रियों से प्राप्त होता है, लेकिन परसेप्शन जो है कैसे प्राप्त होता है, इन्हीं को जब हम एक साथ ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इनको जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है यहाँ पर परसेप्शन के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर सेंसेशन और परसेप्शन के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंशिएशन यहाँ पर मालूम पड़ गया होगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है प्रत्येक इंद्रिय पारगमन की प्रक्रिया को पूरा करती है, ठीक है। तो जो प्रक्रिया है पूरी होती है यहाँ पर, यानी कि जो हम बात करने वाले हैं आगे, अर्थात उत्तेजना को जो आपका रिसेप्टर कोशिकाओं द्वारा पता लगाया जाता है, जिसे फिर विद्युत आवेगों में परिवर्तित किया जाता है और फिर मस्तिष्क तक ले जाया जाता है, ठीक है। संवेदना का अध्ययन जीव और भौतिक वातावरण के बीच प्रारंभिक संपर्क से संबंधित है, जो संवेदी उत्तेजना के विभिन्न रूपों और इंद्रियों द्वारा इनपुट पंजीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसा कि अभी आपको बताया था यहाँ पर। ये देखिए, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनके द्वारा आप जो भी सेंस करेंगे वो क्या होगा, वो एंटर होगा, और एंटर होने के बाद क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका जो है विद्युत आवेगों में चेंज होगा। अब यहां पर देखिए एनटी आपसे किस प्रकार से सवाल पूछता है, यहां से वो आपको ध्यान देना है। यहां पर क्या क्या बात की हमने, हमने बात की यहां पर आई के बारे में। आई के अंदर क्या है हमारे पास, यहां पर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। जो यहां बात कर रहे हैं संवेदी अंगों की, इसके अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे आई में क्या होता है आपको, रॉड्स होते हैं और कोन्स होते हैं, सवाल आपका बनता है यहां से, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें आपकी नोज में, तो आपका क्या निकल के आता है, आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब्स निकल के आते हैं, सवाल बनता है आपका यहां से। उसी प्रकार से अगर हम बात करें टंग में क्या होते हैं आपके, टंग में आपके होते हैं यहाँ पर पापिए, सवाल बनता है कहाँ से आपका, यहाँ से, ठीक है। तो इतना डिटेल में आपको जो है पढ़ना होता है यहाँ पर चीजों को। उसके बाद देखिए आगे, धारणा क्या है। धारणा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम प्राप्त जानकारी की व्याख्या और आयोजन करते हैं, ताकि वस्तुओं और उनके संबंधों के बारे में हमारा सचेत अनुभव उत्पन्न हो सके। जो अभी आपको एक्सप्लेन किया पार्टी वाला एग्जाम्पल, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ओके। इस प्रक्रिया में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया में भौतिक ऊर्जा, फिजिकल एनर्जी जैसे प्रकाश, यानी कि आपके आंख से संबंधित है, ध्वनि तरंगे जो आपके ईयर से संबंधित है, वस्तुओं से निकलने वाली ऊष्मा जो हीट है, संबंधित इंद्रियों द्वारा एक कोड में परिवर्तित हो जाती है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात होने वाली है आगे देखते हैं, और मस्तिष्क में स्थानांतरित हो जाती है और उसकी व्याख्या की जाती है। इसलिए दो शब्दों संवेदना और धारणा के बीच की रेखा कुछ हद तक मनमानी है। संवेदना आमतौर पर संदेशों के प्रत्यक्ष स्वागत और संचरण को संदर्भित करती है, जबकि धारणा इन संवेदनाओं को एकीकृत और व्यवस्थित करने की सक्रिय प्रक्रिया को संदर्भित करती है। यहां पर बात करेंगे हम सेंसेशन और यहां पर बात करेंगे हम परसेप्शन के बारे में, ठीक है। सेंसेशन में क्या हुआ, देखिए आपके आंख में रोशनी गई, आपके ईयर में प्रकाश गया, आपके ईयर में ध्वनि की तरंगे गई, और आपके बॉडी में क्या हुआ, आपके बॉडी में यहां पर हीट गई। अब ये जो क्या थी, ये सभी जो एनर्जीज है कौन से फॉर्म में है, ये है आपकी यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। ये कौन सी एनर्जीज है, ये है आपकी फिजिकल फॉर्म में है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं इसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे इसको, आपके किसके अंदर चेंज करते हैं इसको, आपकी यहाँ पर न्यूरल एनर्जी के अंदर, ठीक है। किसके अंदर चेंज करते हैं, न्यूरल एनर्जी के अंदर चेंज करते हैं, यानी कि तंत्रिका आवेग के अंदर इसको जो है यहाँ पर चेंज किया जाता है, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जब आपके फिजिकल से आपके न्यूरल में चेंज होती है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको आप बोलते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक है। जब भी आपकी फिजिकल एनर्जी चेंज होगी, किसके अंदर होगी, आपकी न्यूरल एनर्जी के अंदर होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको यहां पर हम बोलते हैं आपका ट्रांसडक्शन। इस बात को आपको जो है काफी अच्छे तरीके से यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। फिजिकल एनर्जी चेंजेस टू योर वॉट, योर 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 न्यूरल एनर्जी या न्यूरल इंपल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम हमेशा बोलेंगे हमारे
ट्रांसडक्शन के रूप में। अब ये जो पूरी जानकारी है कहां पर जा रही है, ब्रेन के पास जाती है, ब्रेन में पूरा सिग्नल पहुंचता है और फिर ब्रेन क्या करता है, ब्रेन काम करता है अपने परसेप्शन का, क्योंकि ये सब जानकारी को क्या करता है वो एकीकृत करता है, इकट्ठा करता है और फिर समझता है कि हमको इसको कैसे परसीव करना है। एंड ठीक इसी प्रकार से आपकी जो आई है, आपका जो ईयर है, आपका जो नोज है, आपका जो स्किन है, आपकी जो टंग है, ये ठीक आपकी इसी प्रकार से काम करती है। बाहर से प्रकाश आएगा, यहां से क्या आएगी, यहां से स्मेल आएगी, यहां से आपका जो है साउंड आएगा, यहां से जो है आपका क्या जाएगा, यहां से आपका क्या जाएगा, आपका फील जाएगा, सेंसेशन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये जाएगा आपके न्यूरल इंपल्स के फॉर्म में चेंज होते हुए। एंड देन उसके बाद इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ये शब्द आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे जीवन में। ट्रांसडक्शन क्या है, आपकी जो है भौतिक ऊर्जा का चेंज किसके अंदर, आपकी जो है यहाँ पर विद्युत ऊर्जा के अंदर या फिर तंत्रिका आवेग के अंदर इसका जो चेंज है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर। एंड देन फिर आगे आपको क्या देखने मिलता है, आगे देखने मिलता है आपको यहाँ पर परसेप्शन के बारे में। अगली जो हम बात करेंगे वो आगे वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर साइकोफिजिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि किसकी बात हम करेंगे, बात हम करेंगे आपकी मनोभौतिकी की। अगर आप इस शब्द को तोड़ेंगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइको और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फिजिक्स, यानी कि यहाँ पर जो आपकी एनर्जी होगी कौन सी होगी, बट ऑब्वियस सी बात है फिजिकल वाली होगी और उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके साइको या विज्ञान मनोविज्ञान के ऊपर, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे इसके अंदर। इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके फादर किसको बोलते हैं, इसके फादर हम बोलते हैं यहाँ पर आपके जी फेशनर को, गुस्टाव फेशनर को। गुस्टाव फेशनर का जन्म कब होता है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स किए हुए हैं तो आपको मालूम होगा 1801 में। एंड ये थॉमस रीड का कब हुआ था, इनके 100 साल पहले अप्रोक्सीमेटली 1710 के आसपास। ठीक है, यानी साइकोफिजिक्स के बारे में, मनोभौतिकी के बारे में गुस्टाव फेशनर ने शुरुआत की आपकी यहाँ पर 1801 के बाद में, लेकिन उसके पहले ही कई सालों पहले 190 सालों पहले सेंसेशन और परसेप्शन के बीच अंतर बता दिया था किसने, आपको थॉमस रीड ने यहाँ पर। आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं मनोभौतिकी यानी साइकोफिजिक्स भौतिक उत्तेजना की कुछ संपत्ति, यानी कि जो फिजिकल एनर्जी फिजिकल स्टिमुलस है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और मनोवैज्ञानिक परिणाम के बीच के संबंध का अध्ययन करती है। ठीक है, इनके बीच क्या देखने मिलता है, हमको रिलेशन देखने को मिलता है जो कि हस्तक्षेप करने वाली तंत्रिका चरणों से बिल्कुल अलग संवेदी अनुभव है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी इंटरप्ट करती है तंत्रिका आवेग बनाती है उसकी संवेदना की हम यहाँ पर बात नहीं करते हैं। ठीक है, वह क्षेत्र ध्यान देना है आपको, वह क्षेत्र जो भौतिक उत्तेजनाओं की विशेषताओं को उनके द्वारा उत्पन्न संवेदी अनुभव की विशेषताओं से जोड़ने का प्रयास करता है उसे मनोभौतिकी के रूप में जाना जाता है। ये हो गई आपकी क्या, ये हो गई आपकी डेफिनेशन कि साइकोफिजिक्स क्या है। जब भी हम क्या देखेंगे, जब भी हम देखेंगे रिलेशन या उनके बीच संबंध किसके बीच, भौतिक उत्तेजनाओं यानी कि हमारा जो फिजिकल स्टिमुलस होता है उसके बीच में, एंड जो हम क्या कर रहे हैं, जो हम सेंस कर रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, इन दोनों के बीच जब हम क्या देखने में मिलेगा, इन दोनों के बीच हम रिलेशन देखेंगे, संबंध देखेंगे, उसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, उसी फील्ड को हम बोलते हैं आपका साइकोफिजिक्स। और आपको ध्यान देना है यहाँ पर डायरेक्ट आप जो देख पा रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आपको जो बहुत माइन्यूट सा दिखता है किसी पेज के ऊपर इस प्रकार से, या फिर आपको यहाँ पर छोटा सा जो एक बार दिख रहा होगा वो क्या है, वो बात करता है आपके साइकोफिजिक्स के बारे में, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ पर है, आपका ध्यान पूरा इस स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पर साइड में जो छोटा सा यहाँ पर बार बना हुआ है, यहाँ पर लोगो आपको दिख रहा होगा, उस पे यहाँ पर आपका ध्यान नहीं है। ठीक है, और यही बात किसकी करता है, यही बात करता है साइकोफिजिक्स की, क्योंकि ये भी देखिए कुछ ना कुछ क्या है, यहाँ पर फिजिकल फॉर्मेट में आपके पास एनर्जी है यहाँ पर, और उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है आपके यहाँ पर साइकोलॉजिकल तरीके से, और वही हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, उसे मनोभौतिकी के रूप में जाना जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे आगे के लिए। अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको यहाँ पर सीमा के बारे में। एंड ये सीमा कौन सी है, यहाँ पे सीमा की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपकी थ्रेशोल्ड के बारे में। ठीक है, थ्रेशोल्ड क्या होता है उस चीज को हम समझते हैं, और इसके बाद आप जो है आपके मनोविज्ञान के पेपर के अंदर आपको जो भी समस्या आती है इससे संबंधित, थ्रेशोल्ड से संबंधित, साइकोफिजिक्स से संबंधित, सेंसेशन परसेप्शन से संबंधित, वो सभी आपकी यहाँ पर दूर होती जाएंगी। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपके आसपास की दुनिया में एक समय में कई उत्तेजनाएं प्रदान करती हैं, लेकिन आप सभी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, खासकर वे जो तीव्रता में बहुत कम होती है ना। विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को सक्रियण के लिए उत्तेजनाओं की अलग अलग तीव्रता की आवश्यकता होती है। बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति हमारी संवेदनशीलता हर पल बदलती रहती है, और शरीर के आंतरिक वातावरण को इष्टतम स्तर पर बनाए रखने के लिए उत्तेजनाओं के प्रति हमारी संवेदी अंगों की संवेदनशीलता बदलती रहती है। यानी कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो आपकी आई की, आपकी ईयर की, आपकी नोज की और आपकी टंग की एक कैपेसिटी होती है, जिसके बाद आपको मालूम पड़ता है कि अच्छा ये क्या चीज है। अगर हम बात करें आपकी आंख की, तो देखिए अगर बहुत ही
ये हमने एक छोटा सा डॉट बनाया है, नहीं, ये देखिए अगर इसको हम यहाँ पर बनाए ऐसा, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को ये डॉट दिखाई दे, है ना, जिसकी रोशनी कम है आंखों की, जिसको कम दिखाई देता है, तो हो सकता है मे भी शायद उनको ये डॉट दिखाई ना दे। अगर हम इसको बनाते हैं, देखिए अभी हमने बनाया इसको ब्लैक इंक से, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमने यहाँ पर जो है ब्लैक इंक से यहाँ पर एक डॉट बनाया हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर थ्रेशोल्ड के बारे में, कि कम से कम इतनी चीज तो हमको दिखनी चाहिए, यही क्या है, यही आपकी हम बोलते हैं सीमा के बारे में। आपने देखा होगा कई लोगों के लिए नॉर्मल साउंड जो है, जब आप ईयरफोन लगाते हैं, हेडफोन लगाते हैं, तो आपके लिए हो सकता है कि नॉर्मल साउंड आ रहा हो, लेकिन किसी के लिए बहुत ही तीव्र होता है, और किसी को बिल्कुल भी उतने साउंड में भी अब जो है बिल्कुल भी साउंड नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें, कई बार देखा होगा आपने, लोग बोलते हैं हमको स्मेल आ रही है, लेकिन उस टाइम पे आपको स्मेल नहीं आ रही होती है, कुछ समय बाद जब वो स्मेल और इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाती है, तब आप उसको फील कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से बोलते हैं कि देखिए खाने में जो है नमक ज्यादा हो गया है, तो किसी किसी को तुरंत नमक समझ में आ जाता है कि खाने में जो है ज्यादा है, और किसी किसी को बहुत ज्यादा जब नमक होगा तब समझ में आता है कि यस खाने में जो है यहाँ पर नमक ज्यादा है। तो यहाँ पर जो अलग अलग चीजें हो रही हैं, ये आपने अपने आस पड़ोस में डेली लाइफ में देखी होगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर थ्रेशोल्ड, उसी को अभी आप यहाँ पर और डिटेल में आगे देखने वाले हैं। जो अभी आपको बताया, देखिए यहीं पर उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी कि संवेदी तंत्र, यानी कि आपका जो सेंसरी सिस्टम है आपका, उसके अंदर सब कुछ आ गया, तब तक प्रतिक्रिया नहीं करेगा जब तक कि उत्तेजना ऊर्जा तीव्रता के कुछ महत्वपूर्ण स्तर से ऊपर ना हो। ठीक है, जो आपका उत्तेजना है, जो आपका स्टिमुलस है, उसकी एनर्जी कुछ महत्वपूर्ण स्तर से ऊपर ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आपका निरपेक्ष सीमा कहा जाता है। निरपेक्ष सीमा क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस है आपके लिए यहाँ पर, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ठीक है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या है, कि कुछ ना कुछ इंटेंसिटी आपके पास होनी चाहिए, है ना, उत्तेजना की जो ऊर्जा तीव्रता है कुछ महत्वपूर्ण स्तर से ऊपर ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे यहाँ पर निरपेक्ष सीमा। इसीलिए देखिए लिखा हुआ है आगे, निरपेक्ष सीमा क्या है, उत्तेजना की वह छोटी मात्रा है जिसे कोई व्यक्ति 50% समय में पहचान सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ठीक है, मतलब कम से कम इतना साउंड तो होना चाहिए, कम से कम इतनी स्मेल तो होनी चाहिए कि 50% टाइम जो है जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, क्या कर सके, उसको पहचान सके। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं आपकी निरपेक्ष सीमा, यानी कि एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। अब यहाँ देखिए आगे उदाहरण दिया हुआ है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को एक उत्तेजना दी जाती है, यानी एक स्टिमुलस दिया जाता है, और कुल परीक्षणों में से व्यक्ति 50% समय में उत्तेजना का पता लगाने में सक्षम होता है, तो पहचान के इस बिंदु को क्या बोलेंगे, इस बिंदु को बोलेंगे निरपेक्ष सीमा। आप इसी को जाकर एक बार एनसीईआरटी में पढ़िएगा, वहां पर भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है शुगर वाला, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा एक बार अगर आप उसको पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो। ठीक है, इस तरह वैसे यहाँ समझ में आ ही गया होगा, निरपेक्ष सीमा वह बिंदु है जहां व्यक्ति उत्तेजना की उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम होता है जब उत्तेजना व्यक्ति के सामने पेश की जाती है। आगे इसी को आप पढ़ेंगे किसके फॉर्मेट में, आगे इसी को आप पढ़ेंगे एसडीटी के फॉर्मेट में, जहां से आपको इस बार सवाल बनाया गया था। ठीक है, ओके, अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि पहले तो देखा आपने क्या, पहले देखा आपने थ्रेशोल्ड, यानी कुछ ना कुछ सीमा होनी चाहिए, उसके बाद अब आपने क्या देखा, अब आपने देखा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, यानी कि निरपेक्ष सीमा की इतना तो होना चाहिए 50% ऑफ टाइम में। ठीक है, 50% ऑफ टाइम में क्या होना चाहिए, इतना तो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलना चाहिए। ठीक है, यानी मान के चलिए आपके सामने यहाँ पे लेके आए एक इसमें गुलाब जामुन, ये कटोरी में क्या लेके आए, ये कटोरी में गुलाब जामुन लेके आए, और उस गुलाब जामुन की बहुत ही माइन्यूट सी स्मेल आ रही है, बहुत ही हल्की सी उसकी जो है खुशबू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 बार आपको दिखाया जाएगा, 10 बार में से 50% टाइम आप जब बोल देंगे कि यस खुशबू आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, उतना जो उसके अंदर फिजिकल एनर्जी होगी स्मेल वाली, उतने जो केमिकल्स होंगे उसको हम बोलेंगे क्या है, कि ये इस गुलाब जामुन के लिए क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है। अब उसी के आगे जो आप पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो देखिए यहाँ पर आपका अगली जो चीज आपके सामने निकल के आती है, गुलाब जामुन से आगे बढ़े वहीं पढ़ना रोके, संवेदना के अंदर, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंसेशन की, यहाँ पे परसेप्शन की बिल्कुल बात नहीं हो रही है, जो भी हो रहा है किसके साथ हो रहा है, आपकी संवेदना के साथ हो रहा है। एक और बिंदु महत्वपूर्ण है कि कोई दो संवेदनाओं के बीच कैसे भेदभाव करता है, यानी कि दो सेंसेशन के बीच में कैसे आप फील कर पाएंगे, ठंडी लग रही है, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। वह न्यूनतम मात्रा क्या है जिससे किसी उत्तेजना की मूल तीव्रता बढ़ जाती है ताकि उसमें एक बदली हुई संवेदना हो सके। ठीक है, आंख पर प्रकाश के एक पैच द्वारा उत्पन्न दृश्य चमक की अनुभूति पर विचार करें, पिछले वाले से थोड़ी ज्यादा चमक की अनुभूति का अनुभव करने के लिए प्रकाश की तीव्रता वाले पैच की कितनी न्यूनतम मात्रा बढ़ाई जाए, ये इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो हम एग्जांपल बता रहे हैं उसको ध्यान रखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, जिसके बाद आप कभी नहीं बोलेंगे जीवन में कि ये जो है क्या हो रहा है,
ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका स्टोव है, ठीक है, ये आ क्या है, ये आपका स्टोव है। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे ये आपका जो है बर्नर है, और बर्नर के ऊपर क्या रखा हुआ है, यहाँ पे आपने रखा हुआ है एक पतीला, ठीक है। अभी जो आपका ये जो है रेगुलेटर जो है आपका यहाँ पर, ये क्या है, ये आपका सिम पे है, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हैं इसको, इसको आप दूध यहाँ पर उबाल रहे हैं, दूध बॉईल कर रहे हैं या वाटर कुछ भी बॉईल कर रहे हैं आप यहाँ पर, इसको आप उबाल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब सिम में है तो जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे उबलेगा दूध, यहाँ पर बॉईल होगा यहाँ पर धीरे धीरे, लेकिन इस धीरे धीरे से लेके थोड़ा सा तेज या फिर एकदम फास्ट करने में आप क्या करेंगे, ये जो रेगुलेटर है आपका, मान के चलिए यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, अभी 1 पे है, बहुत ही कम गैस निकल रही है यहाँ से, आप क्या करते हैं इसको बढ़ा के 4 पे कर देते हैं या 5 पे कर देते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो दूध है काफी जल्दी जल्दी जो है यहाँ पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 5 तक के बीच में यहाँ पर जो चीज हो रही है, इसी को क्या बोलेंगे हम, इसी को बोलेंगे आपका डिफरेंस थ्रेशोल्ड यहाँ पर, ठीक है। ये दो उद्दीपक, यहाँ पे देखिए ये जो दूध है, यहाँ पे जो मिल्क था आपका, ये क्या कर रहा है, ये अलग अलग सेंसेशन फील कर रहा है, 0.1 पे, नंबर 1 पे अलग हीट मिल रही थी उसको, और नंबर 5 पे अलग हीट मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे हमको कितनी हीट चाहिए होगी, जहां पे हमको क्या देखने मिले, हमको पहले वाले उबाल से ज्यादा उबाल देखने मिले हमको यहाँ पर, इसी को आप क्या बोलेंगे, इसी को आप बोलेंगे यहाँ पर क्या, JND, ठीक है। यह एक उचित ध्यान देने योग्य अंतर पैदा करता है, जो कि JND है, जिसको हम बोलते हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, ठीक है। जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस विषय की भेदभाव करने की क्षमता को दर्शाता है। अंतर सीमा वह राशि है जिसके द्वारा उत्तेजना को, जिसके द्वारा किसी दिए गए उत्तेजना को बढ़ाया या घटाया जाना चाहिए, ताकि विषय 50% बार उचित ध्यान देने योग्य अंतर JND महसूस कर सके यहाँ पर, ठीक है। जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस की यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अंतर सीमा क्या है, अंतर सीमा आपका यहाँ पर डिफरेंस थ्रेशोल्ड, ये आप ध्यान रखेंगे, डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या है, अंतर सीमा वह राशि है जिसके द्वारा किसी दिए गए उत्तेजना को बढ़ाया या घटाया जाना चाहिए, यानी दूध के बॉइलिंग को हमको बढ़ाना है या घटाना है, ताकि विषय जो है, आप जो सब्जेक्ट है, 50% बार उचित ध्यान देने योग्य अंतर जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस महसूस कर सके, कि यस पहले जो है दूध आपका जो है बॉइल होने में इतना समय लग रहा था, अब जो हम देख रहे हैं दूध बॉइल होने की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो चुकी है यहाँ पर, वो यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है, वो यहाँ पर बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर आपने क्या क्या देख लिया अभी तक, अभी तक आपने देख लिया, सबसे पहले देखा आपने सेंसेशन और परसेप्शन के बीच डिफरेंस क्या, इसके बीच अंतर होता है, फिर आपने देखा यहाँ पर किसके बारे में, आपने देखा यहाँ पर सीमा के बारे में, यानी कि आपने देखा थ्रेशोल्ड के बारे में, फिर आपने देखा यहाँ पर एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के बारे में, और फिर आपने देखा यहाँ पर डिफरेंस थ्रेशोल्ड के बारे में। अगले लेक्चर में जो हम मुलाकात करेंगे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, आगे देखिए आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर, वो लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पर, ये है आपकी सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, जो आपको आया था इस बार सवाल ग्रीन और स्वेट्स 1966 के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट फ्री क्लास में आपसे मुलाकात होगी, आगे हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आगे डिस्कस करेंगे हम आपके सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के बारे में, कि इसके अंदर क्या सारी चीजें होती हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या से कैसे आपको सवाल बनते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो उसको आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और उसी के साथ साथ सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी अभी तक कर ही लिया होगा, ठीक है। ओके, वीडियो को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर इसी तरह आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं कोर्स वगैरह के अंदर, एक डेडिकेटेड तरीके से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से अपनी स्टडी करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप जो है जिस भी बैच के अंदर जाते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल के लिए आप जुड़ना चाहते हैं, जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आगे ग्रीन एंड स्वेट्स के द्वारा आपकी सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपकी यूरिसिनेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान की यूनिट नंबर 5, कहाँ से, सीधा बुक से।